सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को लेकर के मैंने बनाया है और आपको जानकारी दे दूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ जानने के लिए कि आप लोगों में से, यानी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो भी व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों में से अगर कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को लेकर के इंटरेस्टेड है या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं और उसमें कुछ सीखना चाहते हैं तो उसको जानने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं और आप सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो मैं अपलोड करूंगा, तो हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको इसका ज्ञान अच्छे तरीके से हो जाए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप हो और आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन हो, तो आप ट्रेडिंग करके 10,000-20,000 जो भी लगाएंगे इसमें, उससे जो है आराम से 400-500 रुपये से लेके 1,000-2,000 रुपये डेली का आराम से इनकम कर सकते हैं, जो भी मार्केट आवर होता है, वो भी सुबह 9 बजे से लेके दोपहर में 3 बजे के बीच में। तो ये जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग है, रिस्की तो होता ही है, लेकिन इसमें रिस्क जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। लेकिन सीखने की बात है, सीखने के लिए आप इसमें 1,500 से भी शुरुआत कर सकते हैं और जब आप सीख लें तब इसमें जो है आप 10,000-20,000 लगा के 200-400-500 रुपया डेली का आराम से अर्निंग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आज 24 जून 2020 में जो मैंने ट्रेडिंग करा है, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग किया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फुली एग्जीक्यूटेड, यहाँ एक ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया था, तो ये इसमें क्या प्रॉफिट हुआ था, बस मैं आपको वो दिखा देता हूँ आज का कितना हुआ था और अमाउंट कितना लगाया था। देखिए इसमें आपको सबसे टॉप पे दिख रहा होगा करंट बैलेंस, ये करंट बैलेंस आपको दिख रहा होगा, करंट कैश बैलेंस, यानी हमारा जो पहले का बैलेंस था कितना था, 12,682.81 रुपया, ठीक है, ये हमारा अमाउंट था। उसके बाद उसके नीचे अमाउंट एक दिख रहा होगा आपको 363.89 रुपया, इसके सामने क्या लिखा है, प्रीवियस सेटलमेंट, यानी जो मैंने कल प्रॉफिट किया था, यानी 23 जून 2020 के दिन जो प्रॉफिट किया था उसका कुछ सेटलमेंट रह गया था, चूँकि इक्विटी में सेटलमेंट होता है 2 वर्किंग डेज का, तो ये जो है उस पिछला सेटलमेंट था अमाउंट वो है। आज का क्या हुआ है, कैश बीपीएल में कैश एमटीएम, ये सारे अमाउंट वही होते हैं जो सेम डे के होते हैं, यानी आज जो मैंने प्रॉफिट या लॉस किया है। यहाँ पर कैश बीपीएल आपको दिख रहा होगा, अब कैश बीपीएल का मतलब होता है कि कैश तो आप समझ रहे हैं कैश मार्केट के लिए है, बीपीएल का मतलब होता है बुक प्रॉफिट लॉस, इसमें अगर मैंने लॉस किया तो माइनस में अमाउंट आ जाएगा और प्रॉफिट किया तो प्लस में, तो कैश बीपीएल के सामने माइनस में है 37.50 रुपया, यानी मैंने कैश मार्केट में 37.50 रुपये का आज लॉस किया। उसके नीचे एक अमाउंट आ रहा है 1914 के सामने क्या लिखा है, फ्यूचर बीपीएल, फ्यूचर मतलब फ्यूचर में ट्रेड किया मैंने, और बीपीएल क्या है, बुक प्रॉफिट लॉस, यानी मैंने फ्यूचर में जो प्रॉफिट लॉस किया वो कितना किया, 1914 है, 1914 पॉजिटिव में लिखा है तो इसका मतलब इसमें मैंने प्रॉफिट कमाया, तो 37 रुपया इसमें से माइनस कर दीजिए 1914 में से, जो बचेगा वो मेरा आज का प्रॉफिट हो जाएगा। और 12,681 रुपये में अगर आप इसको जोड़ देंगे तो टोटल बैलेंस मेरा हो जाता है 14,923.20 रुपया। तो ये 12,682, ये 363, 3750 और 1914 सारा प्लस माइनस करेंगे तो आज का टोटल मेरा नेट अवेलेबल ट्रेडिंग लिमिट हो गया है 14,923.20। अब आप सोचिए 12,682 में मैंने आज कितना कमाया है, करीब 1900 रुपया का, तो 12,000 में अगर मैं 500 नहीं 200 भी कमाऊँ डेली का तो भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि 12,000 बहुत बड़ी अमाउंट तो है नहीं, तो 12,000 में अगर सही तरीके से ट्रेडिंग किया जाए तो 200-400 रुपया बड़े ही इजी तरीके से कमाया जा सकता है, लेकिन इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 12,000 एक ही दिन में चला भी जाता है। आपको बता दूं बिल्कुल फैक्ट है ये कि 12,000 में जो है अगर लोग ध्यान ना दे, जो चीज़ें बताई जाती हैं इसकी इंफॉर्मेशन जिनको होगी वो उनको पता होगा कि स्टॉप लॉस का ट्रेड इसमें एक कंडीशन होता है, अगर वो ना लगाएं तो 12,000 जीरो भी हो सकता है, अगर उसको मेंटेन करके चलें तो हम 200 अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा हमारा 100 रुपये का लॉस होगा बस, यानी 100 रुपये के रिस्क पे हम 200 रुपये का प्रॉफिट, 500 के रिस्क पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम आप 100 रुपये के लॉस पे 500 का प्रॉफिट कर सकते हैं, 200 के लॉस पे 1,000 का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी होता है। अगर आप लोगों में कोई भी
जो है ट्रेडिंग के लिए जो है आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी मैं समझ जाऊंगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो इससे संबंधित वीडियो मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा चैनल पे, तो उससे क्या होगा कि आपको जो है शेयर मार्केट के बारे में भी जानकारी होती रहेगी। जैसे जैसे आपको जानकारी होती जाएगी फिर आप इसकी रिसर्च करिए, अगर आपको सूट करता है तो आप भी इस फील्ड में आ सकते हैं और करियर बना सकते हैं। दोस्तों सिर्फ इन्फॉर्मेशनल जानकारी थी, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।